हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ, लेकिन आज मेरा फास्ट है। अगली वीडियो में मिलते हैं, सी यू। हेलो एंड वेलकम गाइस टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू आई ईट इन अ डे। और शुरुआत हो चुकी है, तो उठते ही सबसे पहले आंवला एंड एलोवेरा जूस अराउंड 20 ml ईच इन हॉट टू वार्म वाटर। एंड आंवला जूस में कोई कैलरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द ऐप दैट आई यूज, लेकिन एलोवेरा जूस में 20 ml में 9 calories है। तो टोटल कैलरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज 9 calories। एंड इस मील में जो कार्ब्स एंड फाइबर्स हैं वो भी एलोवेरा जूस से ही हैं सारे, तो वो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। अब चलते हैं वर्कआउट के लिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट मील के साथ। सो वर्कआउट हो चुका है, अब वर्कआउट के बाद दाल लेता हूँ। जनरली कोई भी दाल होती है, लेकिन आज मसूर की दाल है 150 grams। और इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा। सो लेट अस टॉक अबाउट मसूर की दाल। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन्स, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम जो कि बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत अच्छे हैं, विटामिन्स ए सी ई जो कि आईसाइट और हेल्दी विजन के लिए बहुत अच्छे हैं, एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर विच हेल्प्स इन फाइटिंग बैड कोलेस्ट्रॉल। कंप्लीटेड, अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। नहाना हो चुका है, अब ब्रेकफास्ट की बारी। सो ब्रेकफास्ट पे मैं अराउंड 50 ग्राम ओट्स, और ये मैं दूध में बनाता हूँ, 400 ml मिल्क एंड 12 से 13 बादाम और 5 से 6 होल वॉलनट्स। तो ये मेरा पूरा, अगर ये गिरे ना, ये मेरा पूरा ब्रेकफास्ट रहेगा। ओट्स आर रिच इन बीटा ग्लूकन दैट स्टिमुलेट्स वाइट ब्लड सेल्स एंड हेल्प्स देम टू फाइट इन्फेक्शंस। ओट्स आर ऑल्सो रिच इन लिग्नन्स जो कि कैंसर रिलेटेड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से फाइट करने में मदद करता है। सो ओवरऑल ओट्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन बी एंड फाइबर विच मेक्स देम एन आइडियल ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट। इसकी सारी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन मैं स्क्रीन पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, लेट मी टेल यू वन फन फैक्ट अबाउट आलमंड्स। आलमंड इज नॉट अ नट, इट इज अ सीड। एंड इफ यू आर लिटिल अमेज्ड आफ्टर नोइंग दिस, डोंट वरी, जब मैंने जाना था मैं भी बहुत ज्यादा हुआ था। 2015 की एक स्टडी में ये पाया गया था कि जो लोग हायर क्वांटिटीज ऑफ पीनट्स, वॉलनट्स एंड आलमंड्स कंज्यूम करते हैं, उनमें 2 से 3 गुना तक कम चांस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के।
US Food and Drug Administration यानी कि US FDA ने 2003 में ये क्लेम अप्रूव करा था टू लेबल अ वैरायटी ऑफ नट्स इंक्लूडिंग वॉलनट्स दैट ईटिंग 1.5 ounces दैट इज अराउंड 43 grams पर डे ऑफ मोस्ट नट्स एज पार्ट ऑफ डाइट लो इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस. फिनिश्ड. सो नाउ इट्स लंच टाइम एंड लंच में हमारे पास है दो मेथी धनिये की रोटी विद 1 टीस्पून ऑफ घी, एक कटोरी दही की, अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ जैगरी एंड एक कटोरी आलू गाजर की सब्जी. तो इसको खत्म करते हैं. Fenugreek reduces the risk of heart and blood pressure conditions. In a study conducted in 2017, 50 male volunteers took an extract of fenugreek seeds for 12 weeks. About 85% of participants had an increased sperm count. Lekin, dhaniya ke kuch unwanted side effects bhi hain, jaise ki upset stomach, dizziness, headaches. कुछ लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शंस भी हुए हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है. बट प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड यूजिंग फेनुग्रीक बिकॉज इट कंटेन्स कंपाउंड्स दैट कैन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड मे कॉज बर्थ एबनॉर्मैलिटीज. सो द मील इज कंप्लीट. अब मिलते हैं नेक्स्ट मील पे. एंड एक और चीज, आज की डाइट में वे प्रोटीन यूज नहीं करेंगे हम. सारा जो प्रोटीन है वो नॉर्मल फूड से आएगा. सो इवनिंग स्नैक टाइम जनरली फ्रूट्स खाता हूँ इवनिंग स्नैक्स में. और आज हमारे पास है अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ पपाया एंड वन स्मॉल एप्पल. ओके, टाइम फॉर फन फैक्ट. क्या आपको पता है कि पपाया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इट इज इंडिया. पपाया कंटेन्स बीटा कैरोटीन which is one of the nutrients that helps to lower down the risk of developing asthma. Beta carotene also reduces cancer risk. And now comes our favorite fruit. बचपन से हमने एप्पल के बारे में एक लाइन हमेशा सुनी है. नहीं, मैं नहीं कहूँगा वो. An apple a day keeps a doctor away. Okay, तो अब शांति मिली मुझे. So, एप्पल में क्वासेटीन होता है that has a neuroprotective effect. इट अपीयर्स टू हेल्प न्यूरॉन्स सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू फंक्शन. लेकिन जो आज तक क्वासिटीन पे स्टडीज हुई हैं वो हाई डोजेस पे हुई हैं, इतनी एप्पल में नहीं होती. लेकिन हे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. फिनिश्ड. अब मिलते हैं डिनर पे. सो इट्स डिनर टाइम एंड हियर वी हैव एक पूरा यानी कि होल बॉइल्ड एग, दो एग वाइट बॉइल्ड, around 250 grams of sweet potatoes and one bowl of malka masoor dal. Let's finish this. मैं एग्स को ओरिगेनो और पेरी पेरी मसाला से सीजन करना पसंद करता हूँ. क्या आपको पता है कि शकरकंद में विटामिन सी होता है? I don't know about you, लेकिन मैं बहुत शौक हुआ था ये जान के. और क्या होता है स्वीट पोटैटोज में? स्वीट पोटैटोज में होता है बीटा कैरोटीन लाइक पपाया एंड फाइबर विच हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. सो डिनर भी कंप्लीट हो चुका है. तो ये है हमारी आज की लास्ट मील, 700 ml मिल्क और इसके साथ 4 से 5 छुआरे और 6 से 7 मुनक्का. इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी. एंड नाउ फिनिशिंग ऑफ विद ड्राई डेट्स. डेट्स आर हाई इन पोटेशियम व्हिच इज एन इलेक्ट्रोलाइट दैट हेल्प्स बिल्डिंग मसल्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी. तो आज की पूरे दिन की सारी कैलोरीज, कार्ब्स, फाइबर एंड फैट ये रहे. अब मैं इस दूध को खत्म करता हूं. आप लोग जाते जाते कमेंट करना मत भूलना, क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर सकूं. टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट.
ये जो मील्स मैंने बताई है इनके प्रोपोर्शंस मेरे अकॉर्डिंग है, मेरी हाइट, मेरा बॉडी वेट, द एक्सरसाइजेज आई डू, दिस वर्क्स फॉर मी. एवरीवन इज़ डिफरेंट. इट इज़ अ बेसिक डाइट, वर्क अराउंड इट, कस्टमाइज इट फॉर योरसेल्फ. एज ऑलवेज़.